नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। जालौन में चल रहे गुटखे और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अपर जिलाधिकारी की अगुवाई में टीम ने अवैध रूप से चल रही गुटखा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां टीम ने मौके से भारी मात्रा में तंबाकू मिश्रित अवैध गुटखा व केमिकल बरामद किया है। वही मौके पर मिली गुटखा बनाने वाली मशीनों को भी सीज किया गया है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी जालौन में तंबाकू मिश्रित गुटखे का कारोबार चरम पर है। क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित हो रही गुटखा फैक्ट्रियों की मिली शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार की अगुवाई में SDM व सिटी मजिस्ट्रेट की टीम ने उरई कोतवाली क्षेत्र में रामनगर इलाके में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम को मौके से गुटखा बनाने की 3 मशीनें, केमिकल रैपर समेत भारी मात्रा में सुपारी तंबाकू भी बरामद हुई है। पेशे जालौन से अनुज पाटकर की एक खास रिपोर्ट। ये रामनगर में 12 बीघा के पास यह पकड़ा गया है। संजय गोहन का नाम आ रहा है, उनके द्वारा यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। लगभग हमको लगता है कम से कम 250 बोरे सामान होंगे। ठीक है, आगे कार्रवाई क्या की जाएगी सर? अब आगे ये सील किया जाएगा और